और जो लोग मार के गए मुरादाबाद जनपद के सदर कोतवाली पर उस समय हंगामा हो गया जब देव कश्यप नाम के युवक का शव परिजनों ने कोतवाली के बाहर रखकर पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जाम लगा दिया और हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना मिलते ही और कोतवाली के गिरफ्त की जानकारी मिलते ही कई थानों की फोर्स कोतवाली पहुँच गयी और परिजनों को समझाने बुझाने लगी, लेकिन हंगामा कर रहे लोग किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे। परिवार वालों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना था कि घटना के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जबकि घटना का CCTV फुटेज पुलिस के पास मौजूद है। पुलिस ने हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया है और आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कही है। बीती 5 जून को मंजुला थाना इलाके के मंडी समिति के पास कुछ युवकों द्वारा फायरिंग और देसी बम से देव कश्यप नाम के युवक पर और उसके साथियों पर हमला कर दिया गया था, जिसमें देव कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया था। हायर सेंटर में इलाज के दौरान देव कश्यप की मौत हो गई, जिसके बाद क्या था परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित होकर जमकर हंगामा किया है। हंगामे के बाद कई थानों की पुलिस कोतवाली पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जल्द से जल्द आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस द्वारा परिजनों से कही गई है। प्रशासन ने क्यों नहीं बंद करा, झगड़ा क्यों नहीं बंद करा हुआ, पुलिस चौकी के सामने झगड़ा हो रहा है, बंदे को मारा जा रहा है, गोला बारूद छूट रही है, इसके उपरांत चार लोग नामजद थे, उनके घर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कुछ लोगों को पूछताछ के लिए लगातार थाने बुलाया जा रहा है। हमने 5 टीमों का गठन किया है, यशोजी की टीम और सनराइज टीम भी लगी हुई है। हमारी 2 टीमें ऑलरेडी दिल्ली में हैं, उनके जो संभावित ठिकाने पर छायाबारी कर रही हैं और जल्दी इसमें हम गिरफ्तारी करके युवकों को जेल भेज करके मैदानी कार्रवाई संपन्न करेंगे। आज जो मृतक के परिजन हैं उन्होंने कुछ इल्जाम भी लगाया? नहीं, परिवार वालों का ये कहना था कि उनकी जल्दी जल्दी गिरफ्तारी हो। हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम 3-4 लोगों को ऑलरेडी पूछताछ के लिए लाए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी संभावित ठिकाने हैं, जो भी उनके संभावित रहने का स्थान है, उन पर हम लगातार जो है दबिश दे रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों से लगातार इसमें पुलिस का प्रयास जारी है। हमने 5 टीमों का गठन भी किया है, एसओजी और सर्विलांस टीमें लगी हुई हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है कि जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई की जाएगी।